बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम न्यू वन चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, वो हमारा है चैप्टर नंबर 2, जो हमारा है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब बच्चों, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में बहुत डिटेल से ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है। अब सबसे पहले यहाँ पर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वो हमारे पास होगी नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की नेचर कैसी होती है, अब नेचर क्या होती है इसके बारे में हम कैसे पता चलेगा हमें, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए जो कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को हम चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छे से डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने फॉर्मूला लिया था जो कि हमारे पास था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब बच्चे, इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट ओवर 2a। अब यहाँ पर जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये चीज़ हमारे पास क्या है, ये चीज़ हमारे पास है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ये चीज़ हमारे पास हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, यही डिस्क्रिमिनेंट हमें बताएगा कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी नेचर कैसी होगी। अब बच्चे, जैसे हम फैक्टराइजेशन करते थे तो उसी की फैक्टराइजेशन होती थी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती थी। अब यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट वहीं पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वहीं पर फाइंड कर सकते हैं, उसी इक्वेशन का कर सकते हैं जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये इसकी हमारे पास टू रूट्स है, एक तो हमारे पास पॉजिटिव रूट के साथ आ जाएगी और एक हमारे पास नेगेटिव रूट के साथ आ जाएगी। फर्दर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि जब हम इसको अल्फा और बीटा नेम के साथ इसको डिनोट करवाएंगे। अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट। अब जब नेचर ऑफ द रूट हमने फाइंड करनी है तो नेचर ऑफ द रूट हम फाइंड करते हैं हमेशा डिस्क्रिमिनेंट से। अब वो कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, अब ये हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट, अगर तो इस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास जीरो से ग्रेटर होगा, अगर तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो से ग्रेटर हो और हमारे पास वो हमें आंसर परफेक्ट स्क्वायर दे, देन हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो उसकी नेचर है, नेचर ऑफ द रूट है, वो हमारे पास रैशनल और अनइक्वल है। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आ जाए हम कहेंगे, और हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर भी बने, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो रूट है वो उसकी रैशनल और अनइक्वल है। अब इसी तरह उसकी सेकंड टाइप में भी आता है, कुछ क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है उसमें परफेक्ट स्क्वायर ना बने, किसी में परफेक्ट स्क्वायर बने, किसी में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो आए, किसी में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आए, तो उसके लिए हमारे पास फोर कंडीशंस हैं। अब सेकंड हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो, यहाँ पर भी ग्रेटर देन जीरो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन हमें वो आंसर परफेक्ट स्क्वायर नहीं दे रहा, अगर आंसर परफेक्ट स्क्वायर नहीं दे रहा तो रूट हमारे पास होगी वो इरेशनल और अनइक्वल होगी। सपोज आंसर आपके पास 5, 7, 3, इसी तरह से सिमिलरली आगे चलता जाएगा 1, 4, 5, इस तरह से यदि आंसर आपको यही मिलते जाते हैं, कोई भी ऑड नंबर आपको मिलता जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो हम कहेंगे कि जो रूट हमारे पास है वो इरेशनल और अनइक्वल होगी। अब नेक्स्ट टाइप में होगा कि अगर यही डिस्क्रिमिनेंट, अगर यही डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल टू जीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि रूट्स हमारे पास रैशनल और इक्वल है। सपोज हमने कोई भी वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन ले ली, उस इक्वेशन में अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट पे वैल्यू पुट करवाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फार्मूला अप्लाई करवाया, तो हमें आंसर हमारा इक्वल टू अगर जीरो मिल गया तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया है तो हमारी जो रूट होगी वो रैशनल और इक्वल होगी। अब अच्छा, इसकी फोर टाइप में आ जाता है कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इक्वल टू जीरो, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन जीरो हो, अब लेस देन जीरो मतलब कि हमारे पास कोई भी वैल्यू जो जीरो से लेस ही होगी, अगर हम माइनस टू लेते हैं तो इट मीन्स कि वो भी हमारे पास जीरो से
लेस है, माइनस फोर लेते हैं जीरो से लेस है, माइनस ट्वेल्व लेते हैं जीरो से लेस है, जितनी वैल्यू ग्रेटर नेगेटिव साइन के साथ होगी वो वैल्यू उतनी ही स्मॉलर होगी। तो इसी तरह से अगर हमारा आंसर इस तरह से माइनस सेवन, माइनस थ्री, माइनस नाइन, इस तरह से कोई भी आंसर अगर आपको नेगेटिव फॉर्म में मिल जाता है तो इट मीन्स कि हम कहेंगे कि वो रूट्स हमारे पास जो है वो इमेजिनरी होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर बताना चाहूंगी कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन, मैं यहाँ पर एक राइट कर रही हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ पर देखें कि ये आपके पास एक पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है सेकंड डिग्री के साथ। अब यहाँ पर अगर मुझे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला अप्लाई करवाना है तो ये पूरी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फॉर्म हो गई है तो यहाँ से ए इक्वल्स टू वन है मेरे पास, बी इक्वल्स टू माइनस फाइव है और सी मेरे पास सी इक्वल्स टू है फाइव। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करवाऊंगी डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। अब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो मेरे पास इक्वल है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब b की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, माइनस फाइव स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू आपके पास है वन, c की वैल्यू आपके पास है फाइव, स्क्वायर लिया ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी। आप देखें कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपके पास कितना आ गया, फाइव। अब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास फाइव आ गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइव आ गया है तो आप डिसाइड करें कि डिस्क्रिमिनेंट अब आपके पास क्या है। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है, क्या पॉसिबिलिटीज की बन रही है। अब देखें यहाँ पर आपके पास जो फाइव है वो आपके पास ग्रेटर देन जीरो है, क्या ये फाइव आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा। अगर फाइव परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर ये किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, इट मीन्स कि ये हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो हम कहेंगे द नेचर ऑफ द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। सेम एज इट इज हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा और कहेगा कि नेचर ऑफ रूट फाइंड करें, हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करवाएंगे और अपनी कंडीशंस को देखते हुए हम देखेंगे कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है। अब अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, लेस देन जीरो आ जाता है या इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि हमारी नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी। इसी तरह से सपोज अगर यहाँ पर आंसर मेरे पास जीरो हो जाता, अगर यहाँ पर जीरो हो जाता तो हम कह देते कि रूट्स हमारे पास रैशनल और इक्वल है। अगर आंसर मेरे पास नेगेटिव साइन के साथ आ जाता, जिस तरह से कि आपकी पेज नंबर 20 पे एग्जांपल बी बनी हुई है कि टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये देखें टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर आपके पास जो ए की वैल्यू है ए इक्वल्स टू टू और बी इक्वल्स टू माइनस वन एंड सी इक्वल्स टू वन, यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करवाएं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये आपके पास है डिस्क्रिमिनेंट। अब बी की वैल्यू आपके पास थी माइनस वन माइनस फोर, ए की वैल्यू थी टू, सी की वैल्यू थी वन, वन माइनस एट। जब आपने सॉल्व किया तो आपको आंसर क्या मिला, माइनस सेवन। अब देखें कि जो माइनस सेवन आपको आंसर मिला है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है, वो आपके पास लेस देन जीरो है। तो फिर आप कह सकते हैं कि ये जो रूट है आपके पास, ये आपके पास इमेजिनरी है। आप कहेंगे हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर इमेजिनरी। इसी तरह से बच्चे पेज नंबर 20 पे और बहुत सारी एग्जांपल्स आपको गिवन है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें सबसे पहले एग्जांपल सॉल्व करें। आपका जो एग्जांपल नंबर वन वो आपके क्वेश्चन नंबर वन से रिलेटेड है, सेम आपकी जो एग्जांपल नंबर टू स्टार्ट हो रही है वो हमारे क्वेश्चन नंबर टू से रिलेटेड है। जी टेन क्लास, अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने लगे हैं। 2.1 में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर वन है जो कि मैं आपको एग्जाम्पल नंबर वन बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल नंबर वन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन में उसने कहा है हमसे फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने हमें गिवन की है, उसने कहा है कि इसका सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, उसने नेचर फाइंड करने के लिए नहीं बोला, हमने जस्ट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट लिया है, वैल्यू मेरे पास है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो।
अब देखिए हमारे पास ये पूरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो हमारे पास a होगा, जो x के साथ होगी वो b होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो हमारे पास c होगा इक्वल्स टू माइनस वन। अब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसको शॉर्ट वर्ड में हम डिस्क भी कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने डिस्क का फॉर्मूला अप्लाई करवाया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब b की वैल्यू आपके पास थी थ्री, इसकी जगह पुट करवाया माइनस फोर, ए की वैल्यू आपके पास थी टू, सी की वैल्यू आपके पास थी माइनस वन। यहाँ पर आप स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हैं बाई यूजिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन गिवन फॉर्मूला। अब आपने जब इसका स्क्वायर लिया नाइन, अप्लाई करवाया यहाँ पर फोर टू टाइम एट, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा टू वैल्यूज, जब नेगेटिव साइंस टू मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, प्लस नाइन और एट हमने ऐड किया तो हमारे पास सेवनटीन, ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि उसने हमें नेक्स्ट कुछ भी फाइंड करने के लिए नहीं बोला, उसने जस्ट ये कहा है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। तो बच्चे आपके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो सेम एज इट इज, आपने जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर टू में हमने नेचर ऑफ रूट्स भी फाइंड करनी है और इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, इसको हमने वेरीफाई अपने रिजल्ट को करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू का मैंने सेकंड पार्ट लिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब आपने जब नेचर फाइंड करनी है तो इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब नेचर फाइंड करनी होती है तो सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट लेना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि हमारे जो रूट है, हमारा जो गिवन इक्वेशन है, इसकी नेचर कैसी होगी। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू जीरो, क्या कंडीशन है वो, यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर फाइंड होता है। तो जब भी नेचर फाइंड करनी है सबसे पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, हियर ए इक्वल्स टू दिस, बी इक्वल्स टू दिस एंड सी इक्वल्स टू दिस। मेरे पास डिस्क का फॉर्मूला अप्लाई करवाया मैंने, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वैल्यू पुट करवाई ए बी और सी की, तो यहाँ से मेरे पास जो डिस्क है वो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो गया माइनस 47। अब देखिए हमारे पास जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो तो नेगेटिव कोई भी वैल्यू जब होती है तो वो हमेशा लेस देन जीरो होती है। तो अब देखिए एस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आया है माइनस 47 लेस देन जीरो। अब जब लेस देन जीरो होगा, जब लेस देन जीरो होगा तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी और अनइक्वल है। नेचर हमने बता दी कि हमारे पास जो रूट्स आई है वो इमेजिनरी और अनइक्वल आई है, ये उसकी एक बात प्रूफ हो गई कि उसने कहा था कि नेचर बताए इस इक्वेशन की क्या होगी। अब उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट आपसे ये भी कहा है एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग इक्वेशन। अब हम इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन को बच्चे हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अब हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लें, अगर फैक्टराइजेशन हो रही है तो नहीं। अब अपने एग्जाम्पल में बैक में जाएं, हमने जब भी इसकी वेरिफिकेशन करनी है तो बच्चों हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करते हुए करनी है। तो बच्चे आप सबसे पहले यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये सारे का सारा जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है, जो कि हमारे पास ये वैल्यू पड़ी हुई है माइनस 47। तो यहाँ पर भी हमने ए बी और सी की वैल्यू अप्लाई करवाई, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दिया क्योंकि मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो है माइनस 47 था, यहाँ मैंने पुट करवा दिया तो मेरे पास माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 47 ओवर 2। अब हम देखें यहाँ पर भी जो हमारे पास वेरिफिकेशन में हमने देखा कि नेगेटिव साइंस के साथ इमेजिनरी रूट आई है ये वाली। देखिए अंडर रूट में जब भी हमारे पास अगर ये माइनस 47 अंडर रूट आ रहा है तो जब मैं इसको लिखूंगी तो अंडर रूट जो माइनस 1 होता है वो इक्वल्स टू किसके होता है, आल्टा के होता है, नाइन्थ क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पर भी अगर मैं इसको राइट करूँ तो मैं इस फॉर्म में राइट करूंगी तो आप देखें कि ये आपके पास जो आल्टा होता है ये हमेशा इमेजिनरी फॉर्म दे रहा होता है। तो हमारे पास देखें कि जब हमने वेरीफाई किया तो हमारा जो रिजल्ट था फाइनल वो भी हमारे पास इमेजिनरी ही हमें मिला। लास्ट में हम लिखेंगे थर्स द रूट्स ऑफ द थर्स द रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, या थर्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, क्योंकि ये हमें इमेजिनरी फॉर्म दे रही है, अंडर रूट में भी हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है। अब अच्छे नेक्स्ट में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है सेम एज इट इज है, आपने खुद सॉल्व करनी है, नेचर को डिफाइन करना है और इनकी वेरिफिकेशन करनी है, तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3,
For what value of k the expression उसने दिया हुआ है. For what value of k the expression k square x square plus 2 into k plus 1 into k plus 4 is perfect sphere. अब देखें कि जब भी आपके यहाँ पर पेज नंबर 21 पर एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल नंबर 3, तो जब भी अननोन वैल्यू फाइंड हम करते हैं तो अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि हम इक्वल्स टू 0 या जब हम रिमाइंडर लेते हैं तो 0 रखते हैं तो ही हम अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इसके अलावा तो चाहे हम नहीं कर सकते. इसलिए यहाँ पर मैंने लेट कर लिया क्योंकि मुझे अननोन वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमारे पास अननोन वैल्यू तभी फाइंड होगी जब हमारी ये वाली जो साइड है, ये जो हमारी लेफ्ट साइड है पड़ी हुई, ये इक्वल टू 0 हो. अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे यहाँ पर भी, क्योंकि हमें यहाँ पर शायद उसने कह दिया है कि एक्सप्रेशन आपको गिवन है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट ही है. तो यहाँ पर भी आप जो एक्स स्क्वायर के साथ है ए बी और सी, ये वैल्यू हमने ले ली, डिस का फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब क्या है कि जो b की वैल्यू है वो मेरे पास है 2 इंटू के प्लस 1. अब 2 के ऊपर भी स्क्वायर होगा, k प्लस 1 के ऊपर भी स्क्वायर होगा. b स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू आपके पास है k स्क्वायर, c की वैल्यू आपके पास है 4. अब यहाँ पर जब 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, k प्लस 1 का जब होल स्क्वायर ओपन किया तो यहाँ पर a प्लस b के होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला अप्लाई करवाया. a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 4 टाइम 16 एंड k स्क्वायर. 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया हर वैल्यू के साथ, माइनस 16 k स्क्वायर. इन वैल्यूज को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाया, 4k एंड 16 k स्क्वायर. एड और सब्ट्रैक्शन में अगर वैल्यू हो तो साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का लगता है, ग्रेटर वैल्यू का जो साइन है वो हमेशा लगेगा. माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 4. अपनी आसानी के लिए, क्वेश्चन को इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने माइनस 4 से डिवाइड करवाया तो मेरे पास गिवन इक्वेशन ये फॉर्म हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब यहाँ पर उसने हमें वेरिफिकेशन के लिए नहीं कहा. अगर तो वो कहता है कि रूट फाइंड करके वेरिफिकेशन करो, हम क्या करते हैं, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करवाते रूट को किसी ना किसी तरीके से फाइंड करने के बाद. लेकिन यहाँ पर तो हमने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर हम रूट फाइंड कर भी नहीं सकते, नेचर फाइंड हम कर नहीं सकते क्योंकि जस्ट अननोन वैल्यू हमने फाइंड करनी है. तो ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस k माइनस 1. अब इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करवाएं, 3 1 टाइम 3. कोई एक ऐसा नंबर हमने लेना है, मल्टीप्लाई करवाएं 3 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो माइनस 2 आए, तो वो माइनस 3 के और k ही एक ऐसा नंबर है. 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो माइनस 2 आ जाएगा. इस पेयर में से 3 के कॉमन लिया k माइनस 1, इस पेयर में से आपने 1 कुछ नहीं कॉमन होता, जिसमें से उसमें से हमेशा 1 कॉमन होता है, प्लस 1 कॉमन लिया k माइनस 1, 3k प्लस 1 और k माइनस 1. अब हमारे पास k माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 1. सेकंड हमारे पास है 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3k इक्वल्स टू प्लस 1 है, जब हमने राइट साइड पर मूव करवाया माइनस 1 एंड k इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 3. यहाँ पर हमारे पास जो है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन, तो आप लिखेंगे k इक्वल्स टू 1 एंड k इक्वल्स टू माइनस 3. इस एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास, इस वैल्यू के लिए हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा. द एक्सप्रेशन विल बी परफेक्ट स्क्वायर इफ k इक्वल्स टू 1 एंड k इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 3. ये आपका फाइनल में इसका आंसर होगा. जी 10th क्लास हमने जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है. जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें जो इक्वेशन एक दे दी थी और उसमें हमने ये डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करवाया, तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करवाते हुए हमने अननोन वैल्यू फाइंड की, तो सेम आपका ऐसे ही इसी मेथड से ए बी और सी की वैल्यू उसने हमें अरेंज फॉर्म में दी हुई है. एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो ए, एक्स के साथ जो वैल्यू होगी वो बी, और बाकी जो आपके पास जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा वो आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी. तो इसके ऊपर भी आपने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करवाना है और यहाँ से भी आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है. और उसने हमें ऑलरेडी कह दिया कि रूट्स इक्वल हैं, इसलिए उसने इक्वल्स टू 0 भी हमें गिवन किया हुआ है. तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद करना है सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह. अब नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5. शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर
प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स इफ, उसने कंडीशन लगाई है, हैज इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इनटू वन प्लस एम स्क्वायर। अब अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर होल स्क्वायर के इस फॉर्मूले को ओपन करने लगी हूँ। एम एक्स प्लस सी ए स्क्वायर एम एक्स इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस टू ए बी प्लस सी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो प्लस इक्वल्स टू आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करवाया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एम एक्स सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, लेफ्ट साइड पे मूव करवाया माइनस ए स्क्वायर और इक्वल्स टू जीरो बना दिया, क्योंकि अगर हमें उस हमारे पास जो है वो रूट्स है वो हमें ये लेनी है, वैल्यू फाइंड करनी है तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी जीरो फॉर इक्वल रूट्स। अब हैज इक्वल रूट्स उसने कहा है तो इक्वल रूट्स के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो होना चाहिए, इसलिए हमने ए को लेफ्ट की तरफ मूव करवाया इक्वल टू जीरो कर दिया। ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। अब हम यहाँ पर डिस्क का फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे तो डिस्क का फॉर्मूला हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो। अब ए बी और सी की वैल्यू से हमें दी हुई थी, हमने यहाँ से फाइंड कर ली, करने के बाद बी की वैल्यू जब पुट करवाई टू एम सी होल स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू पुट करवाई और सी की जगह हमने सी की वैल्यू पुट करवा ली फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस। सबसे पहले हम इन टू वैल्यूज को इन टू जो है वो हमारे पास सेट बन रहे हैं फैक्टर्स है, इनको हम सॉल्व करेंगे। वन को सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे सी स्क्वायर, वन को माइनस ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस ए स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। सेम हम यहाँ पर फोर को अपनी हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो करवाया उसके बाद देखिए फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में है, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, रिमेनिंग वैल्यू माइनस फोर सी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर प्लस फोर एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। और क्वेश्चन करते हुए आपने अपनी इस वैल्यू को भी सामने रखना है कि हमें ये रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए। यहाँ से मैंने फोर सी स्क्वायर को लेफ्ट राइट की तरफ मूव करवाया नेगेटिव साइन के साथ ही, तो जब हम इसको मूव करवाएंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएंगी रिमेनिंग वैल्यू। इन वैल्यूज में से फोर ए स्क्वायर कॉमन लिया वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू फोर सी स्क्वायर, मुझे अभी भी मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ नहीं मिला, कैसे मिल सकता है अगर मैं फोर के साथ डिवाइड करवा दूँ। मैंने फोर के साथ डिवाइड करवाया फोर फोर से कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, या हमें अपने इसी फॉर्म में चाहिए तो हम लिख लेंगे इस, क्योंकि अगर हम टू प्लस थ्री करें या थ्री प्लस टू करें आंसर तो दोनों सूरत में फाइव ही होगा दोनों कंडीशन में, इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड है वो रिजल्ट है जो कि आपको चाहिए था, ये आपके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। अब सेम आपके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरह बच्चे क्वेश्चन नंबर सेवन भी है, सेवन में भी उसने आपको वैल्यूज दी हुई है, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो ए की है जो कि आपके पास ए माइनस ए बी सी माइनस ए बी है, और सेम आपके पास x के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है माइनस टू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी वो आपके पास b की वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस ए सी वो आपके पास c की वैल्यू है। आपने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करवाना है सेम ऐसे ही, आपने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यहाँ से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन को ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मेशन बनी हुई है। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करवाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करवाते हुए जिस तरह से हमने ये रिजल्ट अपना लिया है, ये हमें हमारा रिजल्ट मिला है इस फॉर्मूले को अप्लाई करवाते हुए, इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर सेवन में डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अप्लाई करवाते हुए आपने रिक्वायर्ड प्रूफ लेना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू थ्री ए बी सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेवन, सेम आपके क्वेश्चन नंबर फाइव की तरह है, तो ये बच्चे आपने खुद करना है।